मेन एंट्रेंस से इधर ओरोनावा शॉप से आप सीधा आइएगा मेन रोड से, और इस रोड में मुड़ जाना है और यहाँ आपको एतेवे मिलेगा। और लोकल से इधर आने की, इधर से आने की कोशिश ना करिएगा क्योंकि शाम को बंद हो जाता है 5 बजे 6 बजे, लोकल मार्केट पूरा इधर बंद हो जाती है। तो सीधा एतेवे ये है आपका टर्नोपिल के एतेवे। कॉम्पैक्ट जीत ब्लॉग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज अभी हम लोग आए हैं सामान लेने के लिए एतेवे में। एतेवे यहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ता है अदर के कंपैरिजन में, तो आज दिखाते चावल दाल सब का रेट एक करके। सो स्टे ट्यून्ड। देख सकते चावल का 30-27 और दाल का 66 एंड 46। देखिए जो चीज़ हम लोग खाते वही चीज़ ज़्यादा महंगा है, और जो बाकी ये लोग जो चीज़ खाते ये सब चीज़ सस्ता है। देखिए पास्ता ये सब सारा चीज़ सस्ता है, ये सब सारा चीज़ सस्ता है। आटा 34 रेट है, 34 ग्रेवियर, जितना भी चीज़ दिख रहा है 30, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका हो गया मैदा होता है, ये सब चीज़ मैदा देख लीजिए 33 दे रहा है, सस्ता है। लेकिन इंडिया के कंपेरिजन में बराबर ही अच्छे ग्रेवियन का है। तो हाँ, चावल दाल जितना महंगा है ना उतना ही सस्ता यहाँ पे बियर है। देखिए कितना सस्ता सस्ता बियर है, कार्लसबर्ग 18 में। दारू यहाँ पे सस्ता है, लेकिन जो चीज़ हम लोग खाते इंडियन जो खाते वो चीज़ ज़्यादा महंगा। 25 ग्रेवियन, 26 का दूध यहाँ मिल रहा है मोलो को। स्मिताना मतलब दही है, दही देख लीजिए, दही का 34 ग्रेवियड। फिर इधर भी दूध है, इधर 23 का है दूध, 28 का है, फिर 29 का है, और फिर देखिए ये सब सारा डेयरी प्रोडक्ट्स है। मोजरीला चीज़ वगैरह है, सबका रेट अच्छा से दिखा रहे हैं आप लोगों की। आपको यहाँ आए तो आपको आने से पहले बता रहे हैं सारा चीज़ का रेट क्या है। दही 15 दे रहा है 400 ग्राम का, और ये सब मतलब क्या है कि दही टाइप का रहता है, उसमें मिक्स कर रहता है पाइनएप्पल वाला फ्लेवर टाइप का आता है, अच्छा लगेगा आपको जब आप खाओगे। ये बटर है, यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं बटर का, चिकन देख सकते हैं चिकन का क्या रेट है, 9 रुपये 100 ग्राम का है चिकन, मतलब 100 ग्राम का 9 रुपये। आप इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप कितना होता है। और मछली भी यहाँ मिलता है, कोरोना बियर का 37 ग्रेवियन, कोलगेट का दाम, ब्रश का, पेपर्स, सॉरी इसका तो जरूरत ही नहीं है किसी को। ये पैड्स वगैरह शायद मुझे लग रही, जहाँ तक दिखा देते हैं कि क्या रेट है। फ्रोजन सब्जियाँ यहाँ पे ये सब खरीद सकते हैं, 24-38। मटर है, बीन्स है, मिक्स वेज है, सस्ता 35 का, 31 का, 44 का, मतलब काफ़ी सस्ता है दारू यहाँ पे। जैक डेनियल यहाँ 452 का है, रेवो 28 का है, दिखाते हैं आपको 39 का, 32 का, 59 का टमाटर यहाँ बहुत काफ़ी महंगा रहता है, 49 का है। फिर ये वाला बहुत सस्ता रहता है पत्ता गोभी, लेकिन पता नहीं अभी क्यों महंगा मिल रहा है,
बहुत काफ़ी सस्ता रहता है। प्याज देखिए 42 का है, 13 ग्रेवेट का वो प्याज है, का ये प्याज है, 17 का गाजर है, साफ गाजर 17 का, गंदगी वाली 13, साफ ही लीजिएगा, ये गंदगी वाली हालत ख़राब हो जाता है। इसको चुकंदर बोलते हैं, चुकंदर 14 रुपये में है, और ये खीरा 79 का है, सोच लीजिए। फिर ये वाला भी खीरा 59 का है, और ये लौकी है, इसको खीरा नहीं समझिएगा, लौकी है। फिर ये क्या बोलते हैं, सलजम, सलजम 12 का है, और 89 का यहाँ बाकी के कंपैरिजन में यहाँ सस्ता मिलता है। ये अदरक वाली सॉरी बोल रहे हैं, अदरक जो है यहाँ सस्ती मिलती है, क्योंकि बाकी सी जगह 100 ग्रेवेन में मिलती। और फिर यहाँ पे देखिए कैप्सिकम जो है 69-70 ग्रेवियन का है, और फिर आलू जो है 7 ग्रेवियन का है, और फिर ये कद्दू है 11 ग्रेवियन का, 82 का लहसुन है, और 42 का ये क्या है पता नहीं, आई डोंट नो। देखिए संतरा यहाँ पे 27 का है, 21 का है, और लेमन 21 का है। ये कौन सा फल है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका 43 है, और ये एवोकाडो बोलते हैं 10 का है, एवोकाडो ये क्या बोलते हैं, एवोकाडो। फिर अनानास ये वाला भी, इसका भी नारियल भी यहाँ पे मिलता है 29 का, आम मिलता है, बट ये आम खाना ना खाना बेकार है यहाँ पे। फिर कीवी है, कीवी का दाम है 44-43, और फिर ये सारे कीवी, खुरमा जो है देख सकते हैं 45-43 का है, 53 का है डाब, हुरसा, फिर सेब 18 का है, 11 का सेब, 14 का, 12 का, 9 का, 10 का, 9 का सेब बहुत सस्ता है। नॉर्मली जो यूज़ करते तेल उसका 50 ग्रेवियन है, 55-30-51-52, देखिए सारा कंपनी अपना अलग अलग है का है जो है, इसका प्राइस बहुत सस्ता है, देख सकते हैं, इसको नूडल्स बना सकते हैं 24 ग्रेवियन का, ये सब चीज़ सस्ता है। ये चीज़ हम लोग जबकि ज़्यादा खाते नहीं, हम लोग को तो ज़्यादा चावल दाल सब्ज़ी आटा ये सब चाहिए, वो सब चीज़ डे बाई डे महंगा होते जा रहा है, ये सब चीज़ उतना महंगा नहीं होता हो रहा है जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए मसाला, सारा मसाला मिल रहा है, लहसुन का मिल रहा है, ये मशरूम का मिल रहा है, ये मतलब बीफ उफ का है, फिर ये चिकन उकन का है, फिर ये बीफ का है, फिर मसाला लगभग मिल ही जाता है। देखिए ये चिकन का मसाला है, देख रहे हैं ये हल्दी है इधर 6 ग्रेवियन में, फिर ये क्या चीज़, ये भी हल्दी है, फिर ये काली मिर्च लाल मिर्च होगी, फिर देख सकते हैं आप वीडियो में आराम से धीरे धीरे देखते जाइए, काली मिर्च के साथ ग्रेवियन, सारी चीज़ की दाम है। सेशन में देखिए ये सब तो आप लोग नहीं जानते, द कोला ब्रांड, ये ब्रांड को जानते हो, द कोको कोला 16 ग्रेवियन का देख लीजिए, फिर छोटी वाली जो है वो 10 ग्रेवियन का है, ये बड़ी वाली 27 की है, फिर स्प्राइट 24 की है, फैंटा 24 की, स्प्राइट 24 की, फिर ऊपर में भी जो हेल वाली ड्रिंक है 12, रेड बुल इतने की है, वेराइटीज़ ऑफ वाटर है, लेकिन यहाँ पे क्या कि जब भी आप पानी लीजिएगा तो बोल दीजिएगा गैस वाला पानी नहीं चाहिए, निमाई गैस बोदा, पानी को बोदा बोलते तो निमाई गैस बोदा बोल दीजिएगा तो मिल जाएगा आपको पानी। दलिया, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, सारा चीज़ है। जूस देखिए 32 का है, 33 का है, 34 का है जूस, ये सब जूस यहाँ पे फेमस ब्रांड है सेंदूरा। कितना किस किस वैरायटी का चॉकलेट है।
ब्रेड ब्रेड वाला आइटम ख़त्म हो गया, बर्गर वाला आइटम है यहाँ पे। बर्गर वाला आइटम देखिए 21 में मिलता है। देखा जो मेन काउंटर पे ये सारा सामान रखा जाता है। और इधर ये इतना है, बस इतना ही बिल, इतना बिल बना है 600 इधर और इधर 500, 1100 का बिल बना है। 1100-1200 ऑयल लिए ही नहीं है और अभी 1100-1200 का बिल बन चुका है और अभी राइस एंड ऑयल लेगा। ये कितना दिन चलेगा राशन, कितना दिन चलता है? 15 दिन चलेगा मुश्किल से। फिर उसके बाद बीच में चिकन लाएंगे और सारा सामान लाना रहेगा। से लेने के बाद कुछ सामान रह गया था चावल उवल, तो फिर यहाँ से उठा लेते हैं चावल दाल दूध ये सब सारा पैक और बटर वगैरह यहाँ से उठा लेते हैं कोमोरा से। कोमोरा का ब्लॉग नहीं देखे तो इसका पूरा ब्लॉग देख लीजिएगा, पिछला ये लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पता मिलता है 19 ग्रेवियन का चावल है, बाईस ग्रेवियन का चावल और दाल भी है 10 ग्रेवियन का, 14 ग्रेवियन का, 14 ग्रेवियन का। तेल आ चुका है, दूध आ चुका है और बटर। कोमोरा आए तो कोमोरा में कैश लेके आए, यहाँ भी कितना का बिल बन गया 809 का बिल बन गया 13 रुपये। और यहाँ जब भी आए कोमोरा में कैश लेके आए, इस समय कैश ही चल रहा है, कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही है लोग। पूरा शॉपिंग करके आ गए और सारा सामान खरीदने के बाद मतलब पर मंथ आपका बिल बन जाता है। अगर 2-3 से 4 बच्चे अगर आप रहते हैं ना तो मतलब खाने में आपका मतलब $200 जाएगा, समझ लीजिए 4 में डिवाइड कर लीजिए, $200 पर पर्सन, $50-$50 आएंगे। उसमें आप आराम से खा लीजिएगा और फिर चिकन मटन अलग से खाते हैं तो उसका थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा साइड से, तो मतलब। और उसके बाद फ्लैट व्लैट का तो चार्जेस मैं बता ही चुका हूँ, एकोमोडेशन वाला ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शेयर नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप स्टोरी में डाल के लगा सकते हैं। सो गाइज सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।